देखिए इसमें है क्या, ये बताइए आप, बताइए इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है सर, बताइए सर, थोड़ा सा मरवाइए। तो हाँ पूरा देखा जाए सर, वीडियो उखाड़ो और उखाड़ो नहीं, क्या सोच के देखिए इसमें है क्या, ये बताइए आप, बताइए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या है सर, बताइए सर, थोड़ा सा मरवाइए। तो हाँ पूरा हरेक जगह वही हाल, देखिए मीडियम है ना, बीच में है ना, आगे है ना बीच, देखिए हाथ से ऊपर रहा, हाथ से ऊपर से ऊपर हम वल्गा रहे, गाड़ी चलेगी फोर व्हीलर, देखिए हाथ से क्या होगा, हाथ से कितना मोटा दिया, फायदा तो मोटा का है, मोटा का है, लो जितना बोला है उतना दिया है, फायदा नहीं, कहां साइड में मोटा हो गया, ये बता, ये चाहिए हमको दिया 50, क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं, ये हो गया तुरंत में एकदम जीरा बिछा दिए, पप्पी बैठा के निकल गए, कुछ फायदा क्या नहीं हुआ, पैसा भी वेस्ट हो गया, अब आके यही हाल है, चलो गाड़ी लेके आगे, पूरा सर रोड का यही हाल, पूरा रोड का यहाँ से यहाँ तक जो आप आगे चलिए ना, आगे तो देखिएगा इससे भी खराब है, आगे आगे चलिए, पूरा रोड से क्या कवार रहा है, 3 किलोमीटर चलिए ना, वो सब बचने हैं, हाथ से कवारा रखा है, वो सब बचाएंगे, क्या रहे होते हैं वहाँ पे, नहीं दिया जीएसबी जो है, तुम जीएसबी दबा के सोचा कि कर लेंगे, यही मेन बात यही हुआ, इमल्शन तुम किया, ये इमल्शन का ही प्रति इमल्शन है, ये गलती क्या क्या वीडियो मत बनाइए, ग्रामीणों के शिकायत पर आपके द्वारा जांच करने के लिए हटबड़िया स्थल पर आया गया है, इसमें क्या कमी पाई गई है, हटबड़िया गांव दिशा निर्देश दिया गया, फिर से उखाड़ के कहीं कहीं जो है इसको रेक्टिफाई करना पड़ा, इस बोर्ड भी नहीं लगाया है, रातों रात काम करके जो सबको बर्बाद कर दिया, इसको सरकारी संपत्ति जो अच्छी है, ये सब क्या कर रहा है, इसका संवेदक कौन है सर, अभी हम उसी रोड पे हैं जहाँ पे डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया था और स्कूटी के द्वारा भी, आप देख सकते हैं ये रोड जो है, इस रोड की खुदाई की गई थी, डीएम साहब के द्वारा जो जांच की गई थी, तो इस रोड की खुदाई की गई थी, जो रोड की रोड में क्या मटेरियल और किस तरह रोड बनाया गया, जब रोड डीएम साहब को जिला पदाधिकारी को अवरोधक पाया गया, तो इस रोड पे इन्होंने बंद काम बंद करने का आदेश दे दिया, जो पुनः रोड को तोड़कर नया रोड सही एस्टीमेट के अनुकूल काम किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं 5 दिन नहीं हुआ ये सड़क को बने हुए और यहाँ पे चिप्पी लगना शुरू हो गया, तो आप ये बताइए जो ये सड़क 5 वर्ष किस आधार पे चलेगा, जब ये 5 दिन में यहाँ पे चिप्पी लगाया जा रहा है, तो इससे पहले क्या स्थिति होगी, और ऐसी ऐसी चिप्पी आपको इस रोड पे कम से कम 500 से 600 ज्यादा मिलेगा, तो ये देखिए ये देखिए ग्रामीण हमें दिखा रहे हैं जो ये किस हिसाब से इन्होंने चिप्पी लगाया है, ये सड़क बनवाया है, ये नीति और सरकार के पैसा को लूट खसू सरकारी पदाधिकारी और ठेकेदार मिल के दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये भुजा की तरह, मैं चाहूँ तो हाथ से ये रोड को उखाड़ के आपको दिखा सकता हूँ जो ये रोड का क्या स्थिति है, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे क्या स्थिति है और क्या रोड बनाया गया है और वो ये रोड कितने दिन यहाँ पे टिकने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये रोड की क्वालिटी है, ये क्वालिटी बनाया गया है, आप छोड़ दीजिए, देख रहे हैं हमारे कैमरा में जो आपको हम दिखा रहे हैं स्पष्ट रूप से, जो आप देख सकते हैं जो रोड की क्या, जबकि ये इसको रोड को बने हुए मात्र 6 दिन और 6 दिन में 7 दिन में यहाँ चिप्पी लगना शुरू हो गया, वो भी चिप्पी टूट रहा है और वो भी चिप्पी जो आप देख सकते हैं वो भी क्षतिग्रस्त में, तो क्या अब हमारे कैमरा से जनता ये डिसाइड निकाले जो सरकार के पैसा को खास करके वो भी सुपौल जिला में कितना लूट खसूट किया जा रहा है, ये तो अब सरकारी पदाधिकारी और ठेकेदार, तो आपको जैसा कि हमने सारा दिखाया ग्राफ पे देख रहे हैं कितने आक्रोशित है, उग्र है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार का पैसा नहीं, ये जनता के पैसा से सड़क निर्माण किया जाता है, जनता जो
थोड़ा किसान वर्ग जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स से ये जनता का कल्याण होता है, लेकिन जनता के पैसा को ठेकेदार और विभागीय पदाधिकारी लूट खसूट करके अपना एक मार्ग बना लिए हैं, खास करके बिहार में। मैं विद्याशंकर ठाकुर आपको जैसा कि मैंने दिखाया अपनी टीम से, और अब ये तो अब सरकार की बात है, जो सरकार इस पे न्याय करे या विभागीय प्रशासन के द्वारा न्याय हो या ना हो, ये तो अब सरकार की एक मोनोपोली है। अब आगे जो भी होगा, हम इस सड़क से संबंधित आगे हम आपको दिखाते भी जाएंगे जो यहाँ पे क्या अनियमितता कैसी कैसी पाई जा रही है और विभागीय लापरवाही की वजह से क्या क्या काम हो रहा है। नमस्कार, हम इंडियन टीवी न्यूज से हैं और आज जो टीम आई है ये पोल खोल न्यूज लेके आई है। ये अभी हम निर्मली पंचायत के हटवरिया गांव में है, जो कि सुपौल से 5-7-8 किलोमीटर पूरब की ओर दुर्गा स्थान के निकटतम ये गांव हटवरिया पड़ता है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा हमारी टीम को बुलाया गया, उनका कहना है जो सड़क जो ये बन रही है उस निर्मली से और इधर की साइड जहाँ जाती है वो तो अभी हम जनता से बात करेंगे, ये रोड कहाँ की ओर जाती है और कहाँ तक जा रही है, लेकिन जनता का कहना है जो कहीं ना कहीं सड़क के काम में अनियमितता पाई जा रही है। सही ढंग से जो सरकार के द्वारा जो एस्टीमेट निर्गत किया जाता है उस एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा। अभी यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरा में से, मैं अनुरोध करूंगा जो दिखाया है हमारे कैमरा में, जो यहाँ पे ये हटवरिया के ग्रामीण हैं और कहीं ना कहीं इस सड़क से ग्रामीणों को ही सुख है, ना कि ठेकेदार को सुख है, ना कि विभागीय पदाधिकारी को सुख। अब किसकी मिली भगत से ठेकेदार और सरकारी पदाधिकारी ये काम को अंजाम दे रहे हैं ये तो अभी ग्रामीण बताएंगे, लेकिन बात यहाँ है सरकार योजना के पीछे तो खर्च कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार और विभाग अपना अपना परसेंटेज बांट करके काम करते हैं। 60-40 में काम का वितरित होता है, 60% में 30% ठेकेदार और 30% विभागीय पदाधिकारी, 40% में जो यहाँ गांव के प्रधान है उसको भी 10% बचा, उसमें 30% के पैसे से सड़क का निर्माण, लोगों का घर अगर ढलाई होता है तो वो 100 वर्ष चलता है, लेकिन योजना से अगर सड़क ढलाई होती है तो वो 1 वर्ष भी नहीं टिकता है, जिसका एक मुख्य कारण है 30%, मतलब 1 लाख में 70,000 ठेकेदार एवं विभागीय पदाधिकारी के पेट में और 30% लागत जनता का पैसा उनके क्षतिग्रस्त सड़क में। ये हाल तो बिहार का चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, जो विभागीय पदाधिकारी और ठेकेदार को कहीं ना कहीं टाइट नहीं कर रही। अब मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जो बिहार के सुपौल जिला में अगर 5 पंचायत ईडी और सीबीआई से जांच करवाई जाए तो कम से कम 5 वर्षीय योजना में 25 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सुपौल जिला के 5 पंचायत से होगा। आप जान सकते हैं जो सुपौल जिला में कितने पंचायत है, तो कितने करोड़ का घोटाला अभी तक यहाँ पे ठेकेदार और विभागीय पदाधिकारी कर चुके हैं। आप जानते हैं यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं, ग्रामीण से भी जानते हैं जो ग्रामीण का क्या कहना है, हमें तो पता चला है यहाँ पे जेई बड़े बड़े पदाधिकारी जांच कर चुके हैं, आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्य शुरू हो गया, जिसके कारण जो यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बुलाया है, अब देखते हैं ग्रामीण का क्या कहना। आपने करवाया पर ग्रामीण ग्रामीण है, ग्रामीण नहीं है, आप ठेकेदार मुंशी, तो अभी हमारे साथ मुंशी जी हैं। पहले तो आप अपना, हम आपको नमस्कार करते हैं अपने चैनल पर, नमस्कार करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। धनंजय सिंह। धनंजय जी, हमें ये बताइए ग्रामीण जो अभी यहाँ पे आक्रोशित है ये क्यों, क्या काम? अब ग्रामीण का क्या कहना है, ग्रामीण ही ना बताएगा, हम क्या बताएंगे ग्रामीण के मन में क्या है। ग्रामीणों का कहना है जो आप कहीं ना कहीं काम में अनियमितता का काम सामने में देख सकते हैं,
देख सकते हैं। तो ग्रामीण को आप दिखाइए, संतुष्ट कीजिए। आप जब ग्रामीण आपको एस्टिमेट निर्धारित से काम करने के लिए बोल रहा है, तो आप ग्रामीण को एस्टिमेट या गांव के प्रधान को बुला करके एस्टिमेट दिखा करके क्यों नहीं काम करना चाहते? एस्टिमेट मांगते हैं जो आपका एस्टिमेट चार इंची ढलाई करना है 100 mm अब भी आप चेक कर सकते हैं। चार इंची क्या, कितने का एस्टिमेट होता है? 100 mm 100 mm नहीं, एस्टिमेट कितने का है आपका? पूरा योजना कितना का है? योजना नहीं पता हमको कितना का है, बोर्ड में लिखा होगा, देखना होगा। कहाँ पे है बोर्ड? आपने योजना का रोड शुरू हुआ वहीं पे बोर्ड है। तो आपने यहाँ इधर पूरा बना लिया है? आगे की ओर इधर बना हुआ है, बीच में भी एक दो जगह बना है, बाकी बस छुटा हुआ है। तो ग्रामीणों का कहना मतलब जो है, जो ग्रामीण आपसे झूठ बोल रहे हैं, काम रुकने का कारण क्या बोल रहे हैं ग्रामीण? झूठ आप कह रहे हैं। जो ग्रामीणों का क्या कहना है मुझे नहीं पता, मतलब मन में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में क्या है पता नहीं। ग्रामीणों का मन में है जो यहाँ पे काम में अनियमितता पाई जा रही है। तो क्या अनियमितता पाई जा रही है तो ग्रामीणों ने बताया। ठीक है, ग्रामीण से हम अभी बात करते हैं और ग्रामीण से भी पूछते हैं, क्योंकि मुंशी का कहना है जो हमें कुछ नहीं पता है, ना एस्टिमेट के बारे में पता है, ना हम ये, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है जो चार इंची मोटा हम ढलाई कर रहे हैं, जबकि योजना एस्टिमेट 8 इंची का होता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ के ग्रामीण से, जो ग्रामीण क्या कहते हैं, क्योंकि मुंशी जी जो ठेकेदार के जो राइट हैंड मुंशी होते हैं, जो काम करवाते हैं यहाँ पे लेबर से, उनका कहना है जो 4 इंची मोटा हम ढलाई कर रहे हैं। अभी अब ग्रामीण से जानते हैं क्या कहना। नमस्कार, पहले तो हमारे चैनल क्या बात है जो आप हमें बात ये है, जो ये रोड आज इससे पूर्व करीब 2 मंथ पहले यहाँ करीब 2 किलोमीटर का पिचिंग किया गया। जब वो पिचिंग किया गया तो पिचिंग जो सिर्फ और सिर्फ वो जो पिचिंग जो मसाला जो आता है, बस उसी से मिट्टी पे ही पिचिंग कर दिया गया। उसके बाद हम लोग DM साहब से मिले, आवेदन दिए, उसके बाद बहुत सारे पदाधिकारी आए, XUT साहब आए, JE साहब, सब जगह रोड को कम से कम 50 जगह कोड़ के, जिसका वीडियो फुटेज सब हम लोग के पास मौजूद है, वो जांच किया गया। जांच में हर जगह अनियमितता पाई गई, कहीं भी अंदर में जो गिट्टी दिया जाता है, कहीं भी ना गिट्टी था, हाथ से मतलब रोड, जिसका वीडियो फुटेज, हाथ से सारा रोड उखड़ रहा था। अभी भी आप रोड देख सकते हैं, 2 किलोमीटर का बना हुआ है, पूरा जांच कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक्जीक्यूटिव साहब द्वारा बताया गया जी रोड पूरा गलत बनाया गया है, इसको फिर से रेक्टिफाई किया जाएगा, फिर से रोड को तोड़ के बनाया जाएगा, इसको ठीक किया जाएगा। कई बार फिर भी हम लोग को लगा जो फिर किया जाएगा, आज 1-2 महीने से, लगभग 2 महीने से काम बंद है। उसके बाद बीच में क्या किया, जहाँ जहाँ जांच हुआ था वहाँ पे आके रोड अभी बनी भी नहीं है, और वहाँ पे जा जाके अभी चिप्पी से साठ के वहाँ पे ठीक करके इन लोग पैसा उठाना चाह रहे हैं, इन लोग का बिल वगैरह पेमेंट नहीं हुआ है, ये लोग पैसा वहाँ से पूरा मतलब एग्जीक्यूटिव से आप बोले जो एकदम रातों रात बिना ग्रामीण का सूचना दिए हुए, आप जब तक वो रोड पूरा ठीक नहीं करेगा तब तक आगे काम नहीं करेगा, फिर भी ये जबरदस्ती प्रशासन के मिली भगत से, जो भी प्रशासन हो जिसकी मिली भगत है, और वो क्या कहते हैं, जो भी यही मिली भगत से सारा काम करना। तो क्या आपने इस कुटी साहब को अभी जो काम, अभी हम लोगों ने सूचना दी है, तो उन्होंने बोला नहीं, जो पहले काम जो DM साहब आदेश किए हुए हैं उस हिसाब से काम होगा, उसके बाद ही आगे काम होगा। तो फिर ये जो काम कर रहे हैं उनको बताया नहीं? हाँ, उनको बताया, वो बोल रहे हैं, हम बोले अगर काम स्टार्ट करने का वो दिए तो कोई पेपर दीजिए, तो बोल रहे नहीं, ऐसे अपने मन से मिली भगत से कर रहे हैं प्रशासनिक। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों का कहना है, जो ठेकेदार और प्रशासन, जहाँ तक कि ग्रामीण कह रहे हैं प्रशासन, विभागीय प्रशासन के मिली भगत से ये काम हो रहा है, जबकि विभागीय प्रशासन के एग्जीक्यूटिव का कहना है जो गलत कार्य हुआ है उसको अवरोधक है, उसको काम को रोका जाए। यहाँ तक कि DM वरीय पदाधिकारी भी यहाँ पे जांच किए हैं, लेकिन अब किसकी उदासीनता के कारण ये कार्य हो रहा है, ये तो नीतीश कुमार बताए, आने वाली सरकार बताए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ग्रामीण हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, हम बुजुर्ग से भी बात करते हैं, जो बुजुर्ग का क्या कहना है, क्योंकि इनका तो उम्र बहुत हो चुका है, तजुर्बा भी बहुत है, तो इनका क्या बाबा सही बनती है देना है देखे। तो बाबा का भी ये कहना है, क्योंकि इनकी उम्र हमको लग रहा है कम से कम 80-85 के लमसम में होगा, और बाबा का भी ये तजुर्बा कह रहा है, जो ये सड़क जो बन रही है वो गलत बन रही है, क्योंकि सड़क तो बना के ये चले जाएंगे, घटना और दुर्घटना भुगतना तो पड़ेगा इसी समाज हटवरिया निवासी को, इसलिए समाज आज कहीं ना कहीं हटवरिया की कंसस है, जो काम हो लेकिन सही ढंग से हो, सरकार के एस्टिमेट के नेतृत्व में हो, विभागीय प्रशासन के नेतृत्व में हो, क्योंकि सड़क एक बार बनता है 5 वर्ष इस सड़क को कोई देखने नहीं आएगा।
मैं विद्या शंकर ठाकुर, ब्यूरो की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज, सुपौल, बिहार।